नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो सारे लोगों को। आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट बर्निंग शोर के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में मैं दो चीज़ें लेके आया हूँ, जो कि एक अच्छी चीज़ है और दूसरी जो है वो एक बैड न्यूज़ है। मैं आपको दोनों चीज़ें आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल हम बात कर लें इसके जो ट्रेलर आउट हुए हैं, प्ले रेडी स्टेशन थ्री फॉर ने अभी थ्री रिसेंटली इसको आउट किया है और ये गेम आपको अवेलेबल होने वाला है रिसेंटली ही 19 अप्रैल 2023 को। और इसका जो डिजिटल वर्जन है उसका कॉस्ट होने वाला है 1,664 रुपीज़। और ये अभी आपको प्री ऑर्डर पे भी अवेलेबल है, इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ के लिए। गुड न्यूज़ PS5 यूज़र्स के लिए है कि वो इस गेम को खेल पाएंगे। और आपको बता दूं कि इस गेम को खेलने के लिए सिर्फ परचेज करना ही एक रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपको ये गेम पहले से ही कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका जो फॉरबिडन वेस्ट है वो उसके जो मेन क्वेस्ट है लास्ट सिंगुलरिटी वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस गेम को आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड अब बात करें हम एक जो मैंने बताया था बैड न्यूज़ के लिए, वो बैड न्यूज़ रहने वाला है PS4 यूज़र्स के लिए, क्योंकि ये गेम PS4 यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो PS4 यूज़र्स जिन्होंने इसको पहले खेला हुआ है फॉरबिडन वेस्ट तक, वो भी इसको खेल नहीं पाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है PS4 यूज़र्स के लिए, और PS4 यूज़र मुझे लगता है काफ़ी निराश होंगे। इवन मैं भी अभी फ़िलहाल तो इसको खेल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस गेम को PS4 प्रो के ऊपर खेला था और अभी मेरे पास PS5 है, तो मुझे इस गेम को दोबारा PS5 के ऊपर खेल के कंप्लीट करना होगा, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो ये थोड़ी एक मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी प्ले स्टेशन को जो है इसे PS4 यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल कराना चाहिए था। बाकी जो उन्होंने किया वो उनकी मर्ज़ी। अब देखते हैं कैसा रहता है ये गेम। PS5 यूज़र्स तो मज़े में इसको खेल पाएंगे, एंड सॉरी फॉर द PS4 यूज़र्स। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये गेम। थैंक यू, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।